मेरा डॉक्टर मेरे साथ ऐसा कर दिया, जब क्या कहे उसको साथ है, सोच सकते हैं कितनी शर्मिंदगी वाली हरकत किया गया, के साथ किया गया एक विवाहित महिला के साथ कुकर्म बाथरूम नहीं कर पाते, ऐसा मेरे साथ करके रख दिया। बताइए हम ये कष्ट में है जो हम ही जान रहे हैं सर, ऐसा कोई करता? अब थे रात में नहीं, महिला रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, साफ साफ बोल रही है कि डॉक्टर ने मेरे साथ कुकर्म किया इस हॉस्पिटल में। कल हम छुट्टी पर, इस महिला को इंसाफ इसलिए चाहिए ताकि और भी महिला इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, उनके साथ ये कुकर्म ना हो। कोई नहीं है यहाँ पे, ये खाली है, कोई है नहीं है ना जी यहाँ पे। सब रात से भागा हुआ है, देखिए सब भागा हुआ है, कोई नहीं, सब सारे लोग है। देखिए ये देखिए तस्वीर, मैं पूरा आपको गेटवेल हॉस्पिटल का एक दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये खेल। अंदर के क्या चीज है? अंदर का साक्षात प्रमाण ये है, इनके हाथ में दाग देख सकते हैं आप, ये खुद से नोच नहीं ली होगी, ये इन पे वो किया गया है कुकर्म। आप ज्यादा क्यों बोलते हैं? ज्यादा हम बोल रहे हैं, वो बताइए, ये रो रही है, हम ज्यादा बोल रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, हम क्या करेंगे सर, आपका ड्यूटी है। तो ली के तो पति तो गया दरवाजे पर, क्या उम्मीद है ना आपको जी? जाइए थाना, जाइए आप जाइए थाना में, सर आपको साथ देंगे, आपको साथ न्याय होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ ना सर? अन्याय हुआ है, आपके साथ न्याय होगा, ये साफ साफ कर रहे हैं, आप लिख के लिखित दीजिए, नहीं देंगे तो मीडिया आपके साथ है। जी हाँ, इस वक्त मैं पटना के गेटवेल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ से मैं आपको एक भयावह तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में एक ऐसा कुकर्म किया गया है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। इस वक्त इस महिला को देख सकते हैं, इसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि अभी फरार हैं और इनके साथ बहुत ही गलत हरकत किए हैं। पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी क्या है, सबसे पहले इस महिला से सुनिए आप, आपका नाम क्या हुआ? मीना देवी। आप कहाँ से आई हैं? खजपुरा से। कल आपके साथ क्या क्या हुआ, पूरी बात बताइए आप। मेरे साथ हुआ ना कि जैसे कि हम बेड पे पड़ा हुआ था, बेहोश, तो मेरा होश आ गया था, डॉक्टर साहब आया, बोला कि क्या हुआ, हम बोले कि सर मेरा छाती फेंक रहा है, थोड़ा माथा में दर्द है, माथा दुख रहा है, तो मेरा उठा दिया और ऐसे से मारे, मारने के बाद में वो किया कि हम मेरा छाती पकड़ने लगे, छाती पकड़ने के बाद बोला कि मजा आ रहा है, हम बोले सर हम ठीक है, ऐसे क्या बोला था वो? बोला कि मजा आ रहा है, तो बोले मजा आ रहा है, हाँ, तो हम बोले ना कि सर हम ठीक है, तो बोला ना ठीक है, हम बोले हाँ सर हम ठीक, ऐसे करते करते मेरा डोरी खोल दिया, डोरी खोलने के बाद कच्चा माथ घुसा तो हम चहल गए, उसको हम पकड़ मारे, चिल्लाने लगे, तो हम उसको दांते काटने के लिए पकड़े, उसको शर्ट पकड़ा, तो मेरा पटकने के चक्कर में मेरा ये नोच लिया गया। ये हाँ, वो डॉक्टर ने हरकत किया है, ये तस्वीर में देखिए, साफ तस्वीर में देखिए कितना ये डार्क सर्कल बन गया हाथ में, से नोच लिया था। अच्छा। वैसे कर दिया था, हम खूब रोने लगे, बेहोश मेरा काबू में नहीं था। आप एडमिट किए इसी वार्ड में एडमिट हुए थे ना? तस्वीर में देखिए यार, ये जनरल वार्ड है, इसी में ये महिला एडमिट हुए थे, इसी कमरा में एडमिट हुए थे, ये यहीं पर ये लेटे हुए थे, एडमिट हुए थे ना जी? हाँ, कौन हंस रहा था? जो दो लड़का था ना, वो लड़का एक यहाँ पर है, पर वो हंस रहा था, और जो मेरा ऐसे किया, जब ऐसे छहल गया, चिल्ला दांते पकड़ने सर ऐसे नहीं कि चिल्लाने लगे, तो मेरा इन पटकने के चक्कर में मेरा ये नोच लिए, मेरी नाना दाई घुसी बरजोरी गेट खोल के। आप कहाँ थे उस समय, आप उसमें कहाँ थे? सर यहीं पर ही थे हम, तो आए ना वो, तो वो लोग हमको बोले ना कि नहीं सर आप बाहर जाइए, तो बोले कि नहीं सर हम बाहर नहीं जाएंगे, तो नहीं जाइए, तो हमको धक्का मार के बाहर निकाल, आपको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया? धक्का मार के बाहर निकाल। कहाँ चले गए थे उस समय आप? हम उस समय गेटे पर थे, लेकिन गेट अंदर से लॉक कर लिया, गेट अंदर से लॉक हो गया था, वो तीनों अंदर में था, तीन लोग था अंदर में, तीन लोग था अंदर में, तीनों लोग अंदर में क्या किया नहीं किया जो हम तो नहीं देखे, गेट लॉक कर ले, उसके बाद हम दरवाजा पे चिल्ला रही थी, ये चिल्लाने लगे, इतना चिल्ला रहा था कि छोड़ नहीं रहा था, जो मेरा फिर पकड़ लिया, नोचने लगा ना, तो बोले सर तो खूब चिल्ला, इनको आइए ना मर जाएंगे, तब जाकर बरजोरी गेट खुलवा के आया सर, तब मेरा मारने के लिए भीड़ गए, तीनों मिलकर मारने लगा, नहीं एक ही डॉक्टर साहब जो रहे वही मारने के लिए, मारेंगे ना जो मुंह तोड़ देंगे, हम के लिए मेरा साथ ऐसे किया, पुलिस कंप्लेन करेंगे, मेरा डोरी ऐसे खुला था, मेरी नाना दाई तो बहन हम के मेरे साथ हम खूब माने ऐसे से कूप रहे थे, जो मेरे साथ अब जो गए डॉक्टर साहब जो फिर दोबारा नहीं आया सर। आप ये बताइए कल आपको क्या हुआ था जो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए आप? मैंने हम थोड़ा सा बेहोश हो गए थे, आप कल घर में बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो गए थे, मेरा बीपी गिर जाता है, सर बेहोश हो जाते हैं। अच्छा। बस यह चलते मेरा एडमिट हुआ, हम ठीक थे जबकि वो सर आए ना, ओखनी हम यानी कल आप बेहोश हुए थे और 1 बजे लगभग आप एडमिट हुए, चिट्ठा किधर है, चिट्ठा लाइ दो। कल आप एडमिट हुए थे 1 बजे और आपके डॉक्टर थे डॉक्टर सुभाष चंद्र परमहंस, तस्वीर में देख लिए ये डॉक्टर, इसी डॉक्टर के अधीन में दूसरे
इसी डॉक्टर के अधीन में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन मौके पर ये डॉक्टर घर चले गए थे और इनके जगह पर कोई और डॉक्टर, जिनका ये नाम बता रहे हैं, डॉक्टर संजीव, संजीव यहाँ पर आए थे रात में दो असिस्टेंट को लेकर, जो गंदी गंदी हरकतें किए हैं आप इनसे साफ समझ सकते हैं। कल ये दोपहर 1 बजे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए थे, उसके बाद 3 बजते ये ठीक हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद इनको यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया था। फिर रात जैसे ही हुई लगभग 8 बज रहा था, वो लोग यहाँ पर घुसे। हाँ तो 8 बज रहा था सर, जिस समय वो लोग घुसे ना उस समय 8 बजे के टाइम आइए सर। आपको एडमिट इन्होंने करवाया था? हाँ, मेरे नंदो से करवाए थे, दोनों करवाए थे। तो फिर उसके बाद आप फिर कहाँ गए जब ये वारदात हुई थी? फिर आप लोग क्या किए उसके बाद? सर हमको पास में कॉल किए मेरे मैडम। हाँ, कैसे मतलब आप भी यहाँ पर नहीं थे? मेरा मार्ट है राजा बाजार में। अच्छा, तो मैं तो मार्ट पे चला गया था दुकान पे, तो मैडम कॉल किए मेरे पास में, कैसे ऐसे मतलब बात है, हम लोग आए तो लेकिन लेकर गए यहाँ पे, तो डॉक्टर बहुत खोजे हम लोग तो डॉक्टर नहीं मिला। एक दीदी और एक भैया थे जो हमारा मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे पहले से, वो लोग से हम नाम पूछे तो उन लोग मैं तो नाम नहीं बता रहे थे। हम उनको धमकी भी दिए कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम घर में तो नाम बता दीजिए कौन डॉक्टर है, क्योंकि हम भी पता करेंगे ना अगला से। वो फिर तो नीचे काउंटर पे गए, काउंटर पर से पता नहीं पूछ करके आए तो बोले कि जो संजीव नाम है। सर हमको कहना है कि ठीक है हम मैं तो ट्रीटमेंट करवाए हैं, तो हमको जो दावा चल रहा है ये तो पुर्जा मेरे साथ में है, आप पुर्जा पे दावा नहीं लिखे, आप अपना मन से ICU से आप दावा मंगा लिए अपना स्टाफ से, ये आप क्या वैल्यू से मंगाए दावा? उसमें कॉटन था, बहुत रंग में तो सामान था, आप क्या कोई नशे के समय? आप कौन हुए इनका? मैं तो नंदोशी हूँ सर। और आप कौन हुए? उसको ननद है। ननद हुए आप? आप ही तो लाए थे ना इनका यहाँ पे। आप चाहते क्या है? हम चाहते कि डॉक्टर के बुलवाइए, उसे कुछ सरकारी सजा मिलेगा ना, मेरे साथ की और किसी और के साथ करेगा, भगवान होता है ना डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा कर दिया जो क्या कहे उसको साथ है, सोच सकते हैं कितनी शर्मिंदगी वाली हरकत किया गया इनके साथ किया गया, एक विवाहित महिला के साथ कुकर्म कर, बाथरूम नहीं कर पाते ऐसा मेरे साथ तू करके रख दिया, बताइए हम ये कष्ट में है जो हम ही जान रहे हैं सर, ऐसा कोई करता है? ये देख सकते हैं गेटवेल हॉस्पिटल का कुकर्म, जो एक महिला चिक चिक कर इंसाफ मांग रही है कि हमारी क्या गलती, हम तो यहाँ पर एडमिट हुए थे बेहतर इलाज के लिए, मैं तो ठीक हो गई थी, लेकिन 3 कुकर्मी यहाँ पर आते हैं, जबरन गेट लगाते हैं, ये महिला को बाहर निकालते हैं और तीनों मिलकर इनको कोशिश करते हैं गलत हरकत करने के लिए। जब ये विरोध करते हैं इनसे जो हो सका, मेरा हाथ भी नोचे गया पटक, छोड़ा रहे थे तो मेरा हाथ भी नोचे गया, कि बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, अगर ये कोशिश नहीं करते तो आज इनका कुछ भी कर सकते हो, बलात्कार भी कर देते सर, जो इतना कर दिया था ना ये महिला चिक चिक के कह रही है कि इनके साथ बलात्कार भी हो सकता था, अगर ये अपना ताकत नहीं लगाते तो आज दृश्य कुछ और होता। इनकी सिर्फ गलती यह थी कि अपने घर में बेहोश हो गई थी और यहाँ पर आई थी इलाज के लिए। और देख लीजिए पटना के गेटवेल हॉस्पिटल का कुकर्म, अभी हम आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल का दृश्य। इस हॉस्पिटल में कोई नहीं है, इस मरीज का कुकर्म करके देखिए, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। ए भैया रात को जो खेल हुआ बताए पूरी कहानी क्या है, आप थे रात में? नहीं। महिला रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, साफ साफ बोल रही है कि डॉक्टर ने मेरे साथ कुकर्म किया इस हॉस्पिटल में। कल हम छुट्टी पर थे, हमने आप छुट्टी पे थे कल, तो कल यहाँ पे मौजूद कौन था? वो अभी तक आया नहीं है स्टाफ, अभी तक नहीं आया, अभी स्टाफ अभी नहीं आया, इसलिए हम रुके हुए हैं। कोई स्टाफ नहीं आया, बाकी सब स्टाफ कहाँ गया है? कल तो स्टाफ आया हुआ था। कल स्टाफ आया हुआ था ना? हाँ, कल 8 बजे छुट्टी हुआ है उन लोग का, और फिर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप अभी आए हैं? नहीं, हम सुबह से हैं। सुबह से है, तब स्टाफ जो है अभी कहाँ है सारा स्टाफ इस हॉस्पिटल का? अभी तो जी सुबह वाला जिसका सीट, दोपहर का 2:45 हो रहा है, अभी दोपहर है ये, और सोच सकते हैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नदारद है, स्टाफ है, जो कल जो स्टाफ था वो फरार है। अब देख सकते तस्वीर में, आप कौन हुए यहाँ पे? हम तो नीचे ड्यूटी में रहे, ड्यूटी कर रात में थे आप कल? हमने कल हमारा ये सब ड्यूटी नहीं है। हाँ, कल नीचे ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, नीचे हम कर रहे थे, हम 2 बजे चल जाते हैं, 2 बजे निकल जाते हैं। आप निकल जाते हैं, बज रहा है 2:45, गए क्यों नहीं अभी तक? अब 2:45 हुआ, मेरा काम है दुकान में है। हाँ, दुकान में है, दुकान में है, इधर देखे तस्वीर में, अभी सब चीज बंद है। ये महिला चिक चिक के कह रही है हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। तस्वीर में आपको और दिखाते हैं, ये गेटवेल हॉस्पिटल का फर्स्ट फ्लोर है, अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर। इस महिला को इंसाफ इसलिए चाहिए ताकि और भी महिला इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, उनके साथ ये कुकर्म ना हो। लगातार पटना के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह से कुकृत किया जा रहा है, लेकिन न्याय के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। तस्वीर में देख सकते हैं इधर भी कोई नहीं है, रिसेप्शन पे देख लीजिए
यहाँ भी कोई नहीं है, सिर्फ ये महिला पहुँची हुए इंसाफ के लिए जो तस्वीर दिखा रहे आपको हम, कोई नहीं है। आप यहाँ मरीज है भैया, आप मरीज यहाँ पे है? नहीं, मैं आया था पूछने के लिए। क्या पूछना है आप? पेशेंट वगैरह के बारे में, डॉक्टर साहब कब बैठेंगे, क्या बैठेंगे? देख तस्वीर देख सकते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, ये खाली है, कोई है नहीं है ना जी यहाँ पे? नहीं सर, रात ही सब भागा गया, कोई नहीं है। सब रास्ते भागा हुआ है, 12 बजे रात तक ना, लेकिन कोई नहीं आया। देखिए सब भागा हुआ है, कोई नहीं, सब तार लोक है। देखिए ये देखिए, एक महिला चिक चिक के कह रही है इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन इनको सपोर्ट के लिए कोई सामने नहीं है। तस्वीर में पूरा आपको गेटवेल हॉस्पिटल का एक दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये खेल हुआ है कल रात को 8 बजे, ये खेल हुआ है और मौके पर कोई नहीं है। पटना हवाई अड्डा थाना गए थे आप? हवाई अड्डा तो थाना मेरा साला गए हैं। हाँ, उनको तो रात में ले गया यहाँ से प्रशासन। हाँ, बोला कि चलिए थाना में आप FIR करिए। वो साला मेरे गए तो उनको पता नहीं धमकी दिया क्या दिया। कौन धमकी दिया? मैं तो एक बात बता रहे हैं, मेरा साला मेरे को फ़ोन करके बोले कि हमको थाना वाला ऐसे बोल रहे हैं कि आप केस करिएगा तो फिर आपको बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा? तो हम बोले कि दिक्कत क्या होगा, हम आज तो सच हैं, तो हम तो हमको दिक्कत क्या होगा, हमको क्या, छोड़ दीजिएगा, बताए मेरे साथ किया और किसी और के साथ फिर अगला बार करेगा। डॉक्टर का भी भगवान मानता है कि ऐसे करेगा डॉक्टर, मेरे साथ जो किया जो हम ही जान रहे हैं। हमको चाहिए सर तो नजायज के नजायज, और रहा काउंटर पास होने हमने तो ऊपर से आए। नहीं रहती मैडम? नहीं नहीं, हम मेरे पेशेंट हैं यहाँ पर। पेशेंट आप रात में थे यहाँ पे? नहीं नहीं, रात में नहीं थे आप? ना, कोई पता नहीं रहा है। ऊपर से आए। हाँ, तो काउंटर पे मैंने बात की है कि संजीव कुमार डॉक्टर कौन है। हाँ, यहाँ पे जो मैनेजर या जो भी रहे वो बोला कि वो तो अभी छुट्टी में चला गया। तो हम बोले कि संजीव कुमार ऐसे ऐसे काम किए हैं ऊपर में, अच्छा किए कि गलत किए। फिर इनको हम तो बॉस के नंबर मांगे, फिर मैं तो बॉस से हम बात किए, तो बॉस बोला कि ठीक है हम तो इंक्वायरी करवाते हैं। अभी तक मैं तो इंक्वायरी तो करवा रहे हैं यहाँ पे। जब से इनके साथ जो घटना घटी है तब से मौके पर हॉस्पिटल में कोई नहीं है, हॉस्पिटल में पूरी तरह सन्नाटा। आप देख सकते हैं गरीबों के साथ बिहार में क्या हो रहा है, और ये जो दृश्य देख रहे हैं ये राजधानी है। तस्वीर में दिखाइए उस हॉस्पिटल का दृश्य जहां पर इस पीड़ित महिला के साथ वो घटना घटी है जिसे पूरे दुनिया को जानना चाहिए कि आखिर गेटवे हॉस्पिटल में क्या हुआ। ये तस्वीर में देख सकते हैं कोई नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए। ये इसी 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 वार्ड में एडमिट पहले लिए थे, ये आपातकालीन वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, इसी वार्ड में ये एडमिट हुई थी ये महिला, और महिला चिक चिक के कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए। ये तो पहला इस पर मैं तो एडमिट कर दिए। हाँ, ये मैडम है जी, मैं तो पुर्जा बनवाने बोले तो मैडम बोले कि पहले पैसा दीजिए, तो हमको पास में पैसा नहीं था, ठीक ना। अच्छा। हम बोले कि 10 मिनट का टाइम दीजिए, जो पैसा मंगा रहे हैं ऑनलाइन करके। हाँ। ये बोले कि जब तक पैसा नहीं मंगाइएगा तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है मैडम, जो कोई बात भी नहीं हुआ खाली। अच्छा। को मैं तो वैक्सीन दिए बाहर से ला करके, हमको दिए पुर्जा लाने के लिए, तो मैं तो वैक्सीन लाए, वो वैक्सीन दिए, मैं तो वैसे ही एग्जाम करते हूँ। फिर हम बोले कि जो सर कोई उपाय करिए, जो ऐसे में तो जान नहीं बचेगा हम लोग के। फिर कितना खर्चा हुआ आपका? खर्चा तो सर मैं तो 500 रुपया दिए थे। हाँ। और मैं तो बेड चार्ज हम नहीं दिए अभी तक का पैसा। अच्छा। मैं तो बेड चार्ज हम रख ले हैं, हमको तो डॉक्टर के सामने करवाइए, आपको जितना रुपया हुआ जितना रुपया हम देंगे आपको। मैं तो रुपया आपके पति करते क्या है? गाड़ी चलाते हैं। उस समय कहाँ थे वो? वो नहीं थे, बाहर गए हुए थे गाड़ी लेके। जिस समय हम बेहोश हुए उसी समय घर पे नहीं थे, 8 बजे चल गए थे वो ड्यूटी, तो ये लोग मेरा लेके आते। कितना बाल बच्चा है आपको? बच्चा नहीं है सर। बच्चा नहीं है आपको? नहीं है बच्चा, 3 साल हुआ शादी के, में बच्चा नहीं है। आप मुख्य तौर पे कहाँ रहने वाली हैं? जहानाबाद के। जहानाबाद से हैं? हाँ, यहाँ पर रेंट पे रहती हैं आप? हाँ, रेंट पे रहते हैं सर। खाजपुरा में? हाँ, खाजपुरा में। देख लीजिए ये मैडम, देख लीजिए क्या स्थिति है इनकी, कोई नहीं इनको सुनने वाला, कोई नहीं है देखने वाला, ये स्थिति है। और ये गेटवेल हॉस्पिटल है जो कि मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल में जिस तरह से खेल किया गया एक महिला के साथ, वो अपने आप में भयावह है। लेकिन इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो गायब हैं। इस हॉस्पिटल में इतने प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर RN सिंह डायरेक्टर हैं, बाकी इनके अंदर इतने डॉक्टर काम कर रहे हैं। एक महिला के साथ दुर्व्यवहार इस हॉस्पिटल में हुआ, क्या कहिएगा आप? हमको कोई अभी नहीं है, नोटिस कोई इनको साथ नहीं दे रहा, रो रहे बिलख रही है रात को कल। यह महिला यहाँ पे, इधर यह महिला देखिए, तुम्हारे साथ हुआ क्या? हुआ बाबू,
इनके साथ बहुत गलत हरकत हुआ। फुटेज देख कर आए हम लोग। आपके आप लोग आइए थाना में, ये लिख कर दिख कर दीजिए। इनका कहना है कि थाना में गए फायर करने के लिए इनको धमकी दी जा रही है। कौन धमकी दे रहा है? खुद बोल रही हैं। कौन आप थाना आई थी? इनके रिलेटिव थाना गई थी? तो चलिए थाना चलिए, इनका केस दर्ज होगा। हाँ तो कहना दर्ज होगा, इंस्पेक्शन होगा। अरे केस का दर्ज करिए तो कहने करें, लिख कर दिए तो कहने दर्ज होगा। वो कह रहे थे इंस्पेक्शन होगा, कहने होगा जो डॉक्टर कुलकर्म के रात में। सुनिए अभी हम लोग देखे वही फुटेज देख कर आ रहे हैं पूरा। फुटेज में क्या मिला आपको? फुटेज का अब अंदर का पूरा, जो अंदर आना जाना अंदर जाना हो रहा था पूरे, जिस वार्ड में ये एडमिट हुई थी वो आपने फुटेज देखा? हम देखे हैं। हाँ देखे हैं। हरकत हुआ है ना इनके साथ? अंदर कहाँ से आएगा? अंदर फुटेज नहीं मिला? अंदर कैमरा नहीं है? अंदर कैमरा नहीं। उसमें डॉक्टर स्टाफ के साथ गया है? हाँ। पूरा स्टाफ, तीन लोग थे उसमें? ना स्टाफ के साथ बाहर आया, तीन लोग था ना वो? हाँ, उसमें से डॉक्टर, नर्सिंग का नाम क्या है? नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर संजीव बता रहे हैं। हाँ, नर्सिंग स्टाफ भी, नर्स भी है साथ में। क्या उम्मीद करें ये महिला? नहीं गया था सर। अरे आप जो को जो लिख कर देना लिख कर दीजिए, हम केस कर देंगे। जैसे कि दो लड़का गए थे उनको साथ, डॉक्टर साहब के साथ। लिख कर देना लिख कर दीजिए, हम केस कर देंगे। सर पे भरोसा रखिए आप, ये आप सर देखिए मेरा अगर मेरा साथ ऐसे हुआ, अगर फिर अगला के साथ ऐसे, डॉक्टर के भगवान माना जाता है, डॉक्टर ऐसे करता है पेशेंट के साथ। हम लोग केस कर देंगे, समझे? इनका रिलेटिव गया था आपके थाने पर? नहीं नहीं, उसको सुन बता रहे हैं, फिलहाल ही बता रहे हैं। इसके इनका हस्बैंड गए थे। हाँ। वो हस्बैंड बोले थे कि देखिए अगर डॉक्टर हमसे माफ़ी मांग लेता है, हाँ, तो हम तो के साथ सामने वाला को माफ़ी मांग लेता है, तो हम तब देखते हैं। लेकिन डॉक्टर आए तो ना सर, डॉक्टर के बुलाइए, नहीं कुछ होगा तो डॉक्टर तो आएगा ना सामने, वो आ ही नहीं रहे कल से। काम था कि फुटेज देखना था कि आप सही में आप अंदर इलाज करा रही थी, डॉक्टर गया स्टाफ के साथ, फिर डॉक्टर इतना बजे निकला, इतना बजे 7 बजे निकला डॉक्टर, और 6 बजकर आपको डॉक्टर गया 6:51 पर। अब अंदर के क्या चीज है? अंदर का साक्षात प्रमाण ये है, लिख कर देगी। इनके हाथ में दाग देख सकते हैं आप, ये खुद से नोच नहीं ली होगी, ये इन पे वो किया गया है कुकर्म। अरे आप ज्यादा क्यों बोलते हैं? ज्यादा हम बोल रहे हैं, वो बताएगी, ये रो रही है, हम ज्यादा बोल रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, हम क्या करेंगे सर? आपका ड्यूटी है, लिख कर देगी। तो लिख के तो पति तो गया आपके दरवाजे पर, क्या उम्मीद है ना आपको? जी जाइए थाना, जाइए आप जाइए थाना में, सर आपको साथ देंगे, आपको साथ न्याय होगा। तो मेरे साथ अन्याय हुआ ना सर? अन्याय हुआ है, आपके साथ न्याय होगा। बाबू तो लिख कर दोगी? ये साफ साफ कर रहे हैं, अब लिख के लिखित दीजिए, नहीं देंगे तो मीडिया आपके साथ है। लिखो तो कंप्लेंट केस होगा, केस होगा उनके ऊपर, डॉक्टर पर एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर के बुलाते तो ना सर, उससे पूछा नहीं करता है। देखिए तो कार्य करेंगे, लेकिन इनके प्रावधान में जो भी हो सकता है ये कानून प्रक्रिया करेंगे। आप लिखित इन पे आवेदन दर्ज करवाइए, FIR कीजिए, ये डॉक्टर को खोज के निकालेंगे। जी हाँ, तस्वीर देख रहे हैं पटना के गेटवेल हॉस्पिटल का, जहाँ पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहीं पर प्रशासन का कहना है कि आप FIR दर्ज करवाइए और हम उन पर कड़ी एक्शन लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।